नए कृषि कानून को लेकर सबसे पहले कांग्रेस ने सियासत शुरू की। इस कानून को लेकर कांग्रेस ने पंजाब के किसानों के बीच भ्रम फैलाया और वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आज किसानों के समर्थन में कांग्रेसी सांसदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडर शामिल हुए। इनकी मांग है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर नए कृषि कानून पर चर्चा करे और इस कानून को वापस ले। हमारी मांग ये है कि शीतकालीन सत्र जो संसद का है उसको तुरंत बुलाया जाए। जो बिल हैं जो पारित किए गए थे गैर कानूनी तरीके से, उनके ऊपर एक नए सिरे से बात होनी चाहिए और इन जो बिलों को, जो विधेयक है, जो कानून पारित हुए हैं, उनको खारिज किया जाना चाहिए। किसान के बहाने राजनीति की फसल जो है उसको देखें आप किस तरीके से तराशा जा रहा है, किस तरीके से आगे ले जाया जा रहा है। आज कांग्रेस जिस नए कृषि कानून का विरोध कर रही है उसके चुनावी घोषणा पत्र में यही सारी बातें लिखी होती थी। अब सवाल उठता है कि क्या वजह है जब आप सरकार में होते हैं तो वही नीतियां सही लगती हैं जो विपक्ष में बैठकर गलत। ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सभी पार्टियों पर लागू होता है। आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मोदी सरकार वही कर रही है जो यूपीए सरकार करना चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे। जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। अब कांग्रेस पार्टी के लोग जो ड्राफ्ट करते हैं, रिपील और अमेंडमेंट पे अंतर नहीं समझते हैं, तो लगता है उनको कुछ आउटसोर्स करना चाहिए ड्राफ्टिंग को। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।